स्वागत है आप सभी के हमारे संजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है संजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संजीर बाइक गुरु। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, काफ़ी सारे ये प्रॉब्लम होता है जो रॉयल एनफील्ड का इंजन ऑयल हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है जो इंजन ऑयल हम लोग किस तरह से डालें, क्योंकि इसका जो भरने का तरीका है एक यहाँ है और एक उस पार है। और ड्रेन का जो नाट है मेरे मैकेनिक भाई, इसमें कई दो तरह का नाट होता है ड्रेन करने के लिए। तो काफ़ी सारे मैकेनिक एक नाट खोल देता है और इंजन ऑयल पूरा नहीं निकलता है और न्यू इंजन ऑयल डाल देता है और वो ख़राब हो जाता है। हम आपको बताएंगे कौन सा नाट खोलना है और ये साइड में कितना इंजन ऑयल डालना है, वो साइड में कितना इंजन ऑयल डालता है। तो ये सब कुछ ही हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग दिख रहा है इंजन ऑयल यहाँ से भी हम लोग डाल सकते हैं और उस पार में भी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यहाँ पर भी है। अब काफ़ी सारे मैकेनिक जो होता है एक साइड मोबिल इंजन ऑयल डाल देता है, डालने के बाद इंजन में चारों तरफ पहुँचने में टाइम लगता है। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में बताएंगे इस साइड में हम लोग कितना ऑयल डालेंगे और इस साइड में कितना ऑयल डालेंगे, और जैसे कि कौन सा इंजन ऑयल का जैसे कि ड्रेन नाट खोलेंगे। तो हम आपको बताते हैं मेरे मैकेनिक भाइयों। ये जो जगह होती है इसमें 12 mm का बोर्ड होता है, ठीक है। 12 mm का बोल्ट होता है, इसे भी निकालना है तब जाके इंजन ऑयल सारा निकलेगा। और यहाँ है जैसे कि ये 19 mm का बोल्ट है, ये 19 mm का बोल्ट है और इस जगह पर रहता है, देखो इस जगह पर यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये 19 नंबर का है और यहाँ 12 mm का। तो हमको दोनों बोल्ट निकालना है और इंजन ऑयल देखो हमारा सारे इंजन ऑयल निकल चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे इंजन ऑयल किस तरह से हम लोग डालें और इसमें एक्चुअली कितना इंजन ऑयल लगता है। काफ़ी सारे मैकेनिक बोलते हैं इसमें 3.5 लीटर इंजन ऑयल लगता है, कोई एक मैकेनिक बोलते हैं 2 लीटर लगता है, कोई 1.5 लीटर बोलता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा एक रॉयल एनफील्ड जो 350 cc वाला बाइक है, इसमें हम लोगों को कितना mm इंजन ऑयल डालना है और इसके लिए कितना बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा। तो चलो हम आपको बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो रॉयल एनफील्ड बाइक है 350 cc, इसमें हम 2.5 लीटर इंजन ऑयल डालेंगे और रॉयल एनफील्ड का ही डालेंगे, क्योंकि इसका जो ग्रेड होता है अलग से होता है। इसका जो बड़ा इंजन है हम लोग को इसका जो ग्रेड ज़रूरत है इसी तरह से हम लोग देना है। दूसरा इंजन ऑयल नहीं देना है, जैसे 20-40 भी नहीं देना है, 10-30 भी देना है। अब कौन सा इंजन ऑयल आपको देना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और वो इंजन ऑयल डालने के बाद आपका बाइक अच्छे से चलेगा और पूरा लुब्रिकेशन करेगा। तो चलो हम इंजन ऑयल लाते हैं मार्केट से और आप लोगों को दिखाते हैं और किस तरह से हम लोग इंजन ऑयल डालें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोग देख पा रहा है ये आपको ग्रेड है, हम आपको बता देते हैं 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल, ठीक है, 40 और यहाँ 3040 फ्लास, ठीक है, और 15W15 इसका ग्रेड है। तो हम लोगों को 15W50 डालना पड़ेगा। अगर हम लोग 20-40 डाल देते हैं, 10W30 डाल देते हैं तो इसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसका जो इंजन ऑयल का जो गैबरेटी होता है बड़ा इंजन, इसके लिए हम लोगों का बेस्ट होता है 15W50, ये रॉयल एनफील्ड के लिए है। और ये इंजन का ऑयल होता है 2.5 लीटर 2.5 लीटर। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसका कीमत भी जैसे कि आपको बता देता हूँ इसका प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस है मेरे मैकेनिक भाइयों 930 रुपये इसका कीमत है, 2021 का माल है। तो चलो इस इंजन ऑयल को डालते हैं और आपको बता देता हूँ कौन सा इंजन ऑयल कितना। जैसे इस साइड में हम डालेंगे जैसे कि 1 लीटर के ऊपर, जैसे कि 16 लीटर यहाँ हम डालेंगे और उस साइड में हम डालेंगे 16 लीटर। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, दोनों साइड से मिला के हम डालेंगे, क्योंकि अगर इस साइड से हम सारे इंजन ऑयल डाल देंगे तो इंजन में जाने के लिए टाइम लगेगा और पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि 5 मिनट लग जाएगा। तो इंजन में तो कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर इंजन ऑयल जाए। तो चलो हम जैसे 16 लीटर को भरते हैं और इसका नाट वगैरह आप लोगों को लगा के इंजन ऑयल भर के दिखाता हूँ। अब जैसे कि इंजन ऑयल इस साइड में हम डालेंगे 16 लीटर, ठीक है। एक साइड में भी हम भर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। आधा इंजन ऑयल यहाँ डाल दो, ठीक है, और आधा हम उस पार डालेंगे ताकि जल्दी से जल्दी चारों तरफ जा सके, ठीक है। तो हमने ड्रेन नाट भी लगा दिया है और हर कुछ लगा दिया। इंजन ऑयल न्यू डाल रहा हूँ तो चलो इसे हम उस साइड में डाल रहा हूँ, आधा उस साइड में डाल दो। चलो आधा इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा इंजन ऑयल हम लोग रॉयल एनफील्ड का किस तरह से डाले और कौन सा माइट खोले, आप लोगों को पता चल गया। अगर इस तरह का वीडियो अगर आप लोग पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।